अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आपको गुदे हुए आटे का ना एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनाना बता रही हूँ, बहुत ही चटपटा, हेल्दी और मज़े का। तो इधर पे मेरे ये गूंदा हुआ आटा है मेरे पास, ये गूंद के रख लिया था मैंने पहले। ये बचा हुआ आटा बचे हुए से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बचा हुआ नहीं है तो आप फ्रेश गून लें। तो इसको मैंने गूंद के रखा हुआ, ये गूंदा हुआ आटा, इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इधर पर ले लिया है मैंने 1/2 कप छिलके वाले चने, रोस्टेड चना है ये रोस्टेड चना। हम इसको मिक्सर में पाउडर बना लेंगे, दरदरा सा पीस लेना इसको, और छिलका इसका नहीं निकालना, छिलके के साथ ही पीसना है, क्योंकि इसका जो खाने का मज़ा जो आता है ना, छिलके के साथ ही आता है। हम इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। अगर जो लोग चाहते कि छिलका नहीं चाहिए, तो आप जब इसको पीसते हो ना उसके बाद इसको छान ले तो छिलका निकल जाएगा। तो हम इसको पीस लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको दरदरा रखना है, और छिलका फिर हम जो इसमें से रहेगा छान लेंगे या ऊपर से निकाल देंगे। अभी जितना निकलता है आप इसमें से छिलका निकाल दो, जो लोग छिलका नहीं खाना चाहते, नहीं तो हम इसको छिलके के साथ ही पीसेंगे, इसका मज़ा छिलके के साथ ही आता है। तो हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको मिक्सर में पाउडर बना लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा है। अगर इस वक्त आप चाहते हैं कि इसका छिलका नहीं चाहिए तो आप इसको इस वक्त छान सकते हैं, लेकिन मैं इसको छिलके के साथ ही बनाऊँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चॉप प्याज, बिल्कुल आधी प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, बस फिर आधी प्याज डालना है, ज़्यादा प्याज नहीं जाएगी इसमें। और इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसके अंदर पिक्कल। ये मैंने मिक्स पिक्कल ली हूँ, ये मिक्स पिक्कल है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ मसाला डालूँगी। आपके पास लेमन पिक्कल या कोई भी पिक्कल, मिर्ची का पिक्कल या लेमन पिक्कल या मैंगो का पिक्कल, जो भी पिक्कल है आप डालें, तो मैं पिक्कल नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ इसका मसाला है ना, मसाला इसमें डालेंगे, सिर्फ मसाला 1 चम्मच डाली हूँ इसमें। कुछ हम इसकी पीसीस वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें आटे में भरना होगा तो ये पीसीस तो डिस्टर्ब होएगा। बस अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, इसको पाउडर ही रखना है, मतलब गीला नहीं करना है, इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमको इसका कोई पेस्ट वेस्ट नहीं बनाना, बस दरदरा सा रखना है, वो हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इतना मज़े का ये बना है ना, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच पिक्कल डाल के इसको अच्छे से मसल लिया था। तो देखिए पिक्कल का इसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा रहा, और गीला नहीं हुआ है बिल्कुल, इसको हाथ से मसल दिया ना तो गीला नहीं हुआ है, देखिए बिल्कुल इस तरह से भुरभुरा सा है ना, बस इस तरीके से हम चाहिए। और इसमें 2 चम्मच पिक्कल डाला था मैंने बाद में, और थोड़ा सा डाला था कि नमक मिर्ची इसमें थोड़ा कम लग रहा था, तो पिक्कल का इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो इसको रख देते हैं एक साइड में, और ये जो आटा है ना इसके हम बना लेते हैं छोटे छोटे से पेड़े। इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे इसके, जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए पेड़े बना लिए, पहले मैंने 3 बना लिए, 3 बना के देखेंगे, अगर फिर हमको लगेगा कि और बनाना है तो फिर हम बनाएंगे। इसको रख देते हैं एक साइड में, और इसको हम बेल लेते हैं, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इसी तरीके से इसको बेलना है। देखिए मैंने इसको बेल लिया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस तरीके से आप कोई भी ढक्कन या कोई भी आप सर्कल लेके इसको काट लेंगे इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा हम बेल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा इसको एक हाथ मारना है, फिर इसके अंदर ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था ना वो इसके अंदर भरेंगे, एक टेबल स्पून डालेंगे, फिर इसको हम बंद करेंगे इस तरीके से, इसको बंद करना है।
इस तरीके से करना है, थोड़ा सा हम जिस तरह से कचौरी का शेप देते हैं इस तरह से इसको राउंड कर लेना है। बस इस तरीके से हम सारे बना ले। सारे बना लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको चपटा करना है, राउंड शेप देना है। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए सारी फिलिंग करके मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रेडी कर लिया। अब मैं इसको रख दूँगी स्टीम में। स्टीम के लिए मैंने इधर एक ये रखा हुआ है और ये स्टीम देखिए भाप इसमें से निकल रही है, नीचे पानी है, इसके पानी पक रहा है और ये देखिए भाप बन चुकी है। तो इसके अंदर मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए, इसको स्टीम कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से सारे रख देंगे। अभी इसको देख बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए स्टीम अच्छे से हो गई है, इसमें देखिए धुआं निकल रहा है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम किसी चम्मच से या किसी चीज़ से इसको निकाल लेंगे। देखिए अभी तक धुआं निकल रहा है इसमें से, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ये। ये देखिए स्टीम में से मैंने सारे निकाल लिए और इधर तेल को गर्म होने रखा है। अब तेल को हम इसको मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तेल में हम इसको फ्राई करते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम हम आंच रखेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी फ्राई करना है इसलिए हम इसको लो मीडियम आंच पे डालेंगे, सो क्रिस्पी फ्राई करना है। बस थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको फ्राई कर लेते हैं। क्रिस्पी फ्राई होनी चाहिए। मैंने स्टीम में इसलिए रखा था ये आटा है ना, कि अंदर फ्राई करने में नहीं होगा, थोड़ा सा स्टीम में ना अच्छे से हो जाएगा, इसलिए स्टीम होगी ना तो आटा अच्छे से हो जाता है स्टीम। देखिए मीडियम आंच पे जब से इसको फ्राई कर रहे थे दोनों साइड में लाइट गोल्डन फ्राई हो गया और क्रिस्पी भी हो गया। कब हम इसको निकाल लेंगे, देखें एकदम क्रिस्पी हुआ है। मैं बाद में जब ये फ्राई हो जाएगा ना फिर आपको तोड़ के भी बताऊंगी। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल एकदम फूला फूला सा बना हुआ है, एकदम फूला हुआ है जैसे कचौरी होती ना, कचौरी के टाइप में इसमें इस तरीके से। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं और डाल देते हैं दूसरा बैच। देखिए सबको मैंने मीडियम आंच में फ्राई कर लिया था, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ, देखिए एकदम कड़क है, इससे करेंगे तब पता चलेगा। मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी अभी, बहुत ही मज़े का जो मैंने इसमें अचार का मसाला जो डाला हुआ था ना, इससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी जब आप तोड़ेंगे, तो मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी, मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ अभी, सब कुछ सब बहुत क्रिस्पी बना। अभी मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। देखिए इसमें जो मसाला मैंने भरा हुआ था ना अचार का मसाला और चने का, बहुत मज़े का टेस्ट लगता है इसका, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। इसमें जो पिकल मैंने डाला हुआ था ना मसाला अचार का, बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है इसका। देखिए मैंने ये आधी कैबेज ली थी और कैबेज को ना इसके ऊपर इस तरीके से घिस लिया था, इस तरीके से मैंने घिसा ना तो इस तरीके से ये देखिए इसमें इस तरह से कैबेज इस तरीके से आ गया। मैंने इसके ऊपर घिस लिया था आधी कैबेज को और इतना मैंने एक्स्ट्रा था तो इसको रख दिया हुआ। अब इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। इसके अंदर मैं डाल दूँगी मिर्ची पाउडर, इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन 1/2 चम्मच, मैंने क्रश करके रखा है अजवाइन, अजवाइन से आपका हाजमा भी अच्छा रहेगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
और इसके अंदर मैं डाल दूंगी पालक। पालक को मैंने चॉप करके अच्छे से धो के रख दिया है। पालक को आप अच्छे से धोना है 2 से 3 पानी से, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है पालक में। पालक को मैंने चॉप चॉप करके आधी पालक को अच्छे से धो लिया था, देखिए। अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी 1/3, फिर इसके अंदर डाल देंगे जीरा 1/2 चम्मच। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 कप आटा, गेहूं का आटा है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पालक में पानी होता है और कैबेज में भी पानी होता है। जितना हम इसको मसलते जाएंगे ना, इसमें से पानी छूटता जाएगा। कैबेज में भी बहुत पानी छूटता है और पालक भी जब हम मसलेंगे ना तो बहुत पानी छूटता है, तो इस तरीके से इसको मसलेंगे। तो 1/2 कप मैंने आटा डाल दिया। अब 1/2 कप हम डाल देंगे बेसन, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, इसी तरीके से रखना। देखिए आटा इसमें मिक्स हो गया, क्योंकि ना हम जितना इसको मिक्स करते जाएंगे, जितना इसको इस तरीके से मसलते जाएंगे ना, तो पानी छूटता जाएगा। कैबेज में से भी पानी छूटता है और पालक में से भी छूटता है। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आप इसमें नमक मिर्ची टेस्ट कर सकते हैं। आप अगर नमक मिर्ची और खाना चाहते तो मिर्ची पाउडर और डाल सकते हैं, नमक और खाना चाहते तो नमक और डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें से और पानी है ना, इसे छूटता जा रहा है, जैसे मसलते जा रहे हैं ना, इस तरीके से इसमें पानी और छूटता जा रहा है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप बेसन। 1/2 कप मैंने आटे को मेजरमेंट करके रखा था, 1/2 कप बेसन। बेसन हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। बेसन डाल के ना हम इस तरीके से मिला के देख लेंगे। बहुत ज़्यादा ये पानी नहीं छोड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, जैसे डो की तरह इस तरीके से नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, तो और थोड़ा बेसन जाएगा इसमें। और हाथ से मिक्स करना, बहुत अच्छे से मिक्स होता है ये। मेरे ख्याल से इतना बस हो गया, 1/2 कप पूरा बेसन नहीं गया, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं। और एक प्लेट को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया, इसके ऊपर मैंने तेल लगा लिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे और इसको इस तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से इसको हाथ से या चम्मच से आप किस तरीके से भी फैलाना चाहते हैं, इस तरीके से इसको फैला लेंगे प्लेट में। अच्छे से फैला लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको तेल प्लेट में तेल से ग्रीस किया था और इसको अच्छे से फैला लिया था। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ तिल, जो दिखने में हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। तिल डाल दिए, अब इसको रख देंगे हम स्टीम में। इधर मैंने स्टीम के लिए इधर रख दिया था पानी, और देखिए स्टीम हो गई गर्म। अब इसको इसमें रख देंगे 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसको चेक कर सकते हैं छुरी वगैरह डाल के कि ये हुआ कि नहीं हुआ। रख देते हैं 15 से 20 मिनट। तो देखिए 20 मिनट हो गया है, तो बिल्कुल भी अच्छे से हो गया है। इस तरीके से आप इसको छुरी डाल के इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए छुरी एकदम साफ निकल रही है, मतलब ये हो चुका है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने छोड़ देते हैं, फिर इसके पीसेस काटेंगे। इसको निकाल लेते हैं, प्लेट बहुत गर्म है तो मैं किसी चीज़ से इसको निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके पीसेस काटेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया, बिल्कुल भी। या देखिए आपको चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी, हाथ में नहीं लग रहा है, देख रहे आप। इसको हम इस तरीके से साइड से ना इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे काटेंगे। ये देखिए मैंने छुरी से बिल्कुल इस तरीके से और ऐसे निशान लगा लिया है। तो ये देखिए आप छोटे छोटे से स्क्वायर बन गए। हम इसमें से एक एक पीस अभी निकालेंगे, तो ये थोड़ा गर्म है और भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं निकालूंगी। इसमें से एक एक पीस हम निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से पीसेस निकाल लेंगे इस तरीके से। तो
अंदर अच्छे से हो चुका है, ये बिल्कुल भी गीला या बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है। ये इस तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से स्क्वायर पीस मैंने काट के रख लिए। अब जो मैंने स्नैक्स फ्राई किया था ना वही तेल है, इसमें से मैंने थोड़ा तेल निकाल लिया, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाली हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी राई 1/2 चम्मच, जीरा बिल्कुल थोड़ा सा, कलौंजी ओनियन शीट बिल्कुल थोड़ी सी, तिल बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 चम्मच मैंने सब डाला है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा तड़क जाए ना इसमें डाल के, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के सारे डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। बस चम्मच से हम इसको उल्टा पट्टी करेंगे थोड़ा सा और निकाल लेंगे। ये देखिए सब मैंने इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया था। देखिए हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन भी हो गया, ये क्रिस्पी हो गया और अच्छा टेस्टी भी हो गया। आप इसको एक एक बाइट लेके ना केचप में लगा के आप इसको खाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा। तो ये कैबेज और पालक बाइट रेडी है हमारा, और जो स्नैक्स मैंने बनाया था वो भी रेडी है, बताती हूँ मैं आपको। ये है इधर मैंने जो आपको तोड़ के बताते हैं, तो अभी तक क्रिस्पी है, ये अभी तक क्रिस्पी है। और ये भी मैंने बना लिया है कैबेज बाइट, कैबेज और उसको ऐसा कांटे में लगाओ, ऐसा केचप में लगाओ, फिर खाओ। मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या तो मैं यहीं एंड करती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।